नमस्कार। आज कुछ बात करेंगे देश के सर्वकालीन युवा नेता राहुल गांधी के बारे में। उन्होंने क्या कहा? माननीय राहुल गांधी जी ने कहे कि 21 दिनों में कोविड क्यों नहीं खत्म हुआ, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहे थे। तो मैं बता दूं, मैं सब या भारत मार्स पे नहीं है, वो भी पृथ्वी पर ही है। कोई भी ऐसी देश नहीं है जो 21 दिनों के अंदर कोविड खत्म कर चुकी है। और माफ करना, हमारे पास ऐसे कोई साइंटिस्ट आज तक पैदा नहीं लिए हैं जो एक साइड से आलू डाले दूसरे साइड से सोना निकाले। हो जाएंगे, जल्द ही कोविड खत्म हो जाएगा, इंतजार करिए। उन्होंने आगे कहा कि लॉकडाउन पूरी तरह से असफल रहा। तो लॉकडाउन असफल रहा तो आपके पास कोई उपाय है? पंजाब में आपकी सरकार है, मुंबई में आपकी सरकार है, राजस्थान में भी आपकी सरकार है, वहां कुछ नया करके आप दिखाते। एक कहावत आप सुने होंगे, चिट भी मेरा, पट भी मेरा और अंगूठा मेरे बाप का। समझदार समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। अगर नहीं समझ पाए तो एक दो बार ध्यान से सुने, समझ जाइएगा। अपने आगे कहा, मजदूर को सीधी सहायता राशि देनी चाहिए। मैं भी मानता हूं देनी चाहिए। तो मुंबई में आपकी सरकार है, आप बहुमत में हैं, भारत की औद्योगिक राजधानी मुंबई है, बहुत ही अमीर राज्य है। उस राज्य के अंदर राज्य सरकार की तरफ आप मजदूर को कुछ सहायता दिलवाइए, एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। फिर जाकर आप केंद्र सरकार से सवाल पूछें कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आगे आपने कहा कि सीमा पर जो भी विवाद होती है उसके खबर में पारदर्शिता होनी चाहिए। पारदर्शिता तो उस समय होनी चाहिए थी जब पीओके हमसे अलग हुआ। हमारे जितने भी सिलेबस है, जितने भी किताब है, उनके नक्शाएं आप देखें, उसमें पीओके हमारे साथ है। अब क्यों नहीं बताएं उस समय कि हमारे ऊपर का जो भी भाग है वो हमारे पास नहीं है? तो पारदर्शिता की बात तो आप करें ही ना। पहले खुद के गिरिवान में झांके, फिर किसी और के गिरिवान में झांकने की कोशिश करें आप। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात आपने जो कही, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, कि लॉकडाउन में ढील उस समय दी जा रही है जब कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। और इस बात को मैं भी मानता हूं कि कोरोना के केस अभी बढ़ ही रहे हैं। हम डेली 1 से 1.25 लाख टेस्टिंग करते हैं गवर्नमेंट के अनुसार। 6,000 कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, 6,500, 6,600, 6,700, 6,800, 5 से 6% के लगभग में। तो इस बातों से मैं एग्री करता हूं कि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, ये अभी कमने वाले नजर भी नहीं आ रहे हैं। टेस्टिंग पर ध्यान देने के लिए आप कहते हैं, अच्छा लगता। आप कहते, आप राजनीति ना करके डायरेक्ट पीएम ऑफिस से बात करते, पीएमओ से बात करते और उस पर पूछते कि उनकी प्लान बी क्या है, तो अच्छा लगता। अब मीडिया में आके कह रहे हैं आपकी प्लान बी क्या है, तो सीधी सीधी बातें लग रही है कि आप राजनीति कर रहे हैं। राजनीति ही करना आपका मुख्य उद्देश्य है इसमें। आपने श्रमिक मजदूर की बात की तो मैं एक बार और बोल देना चाहता हूं, अगर श्रमिक मजदूर की आपकी इतनी चिंता थी, इतनी आपने कदर किया श्रमिक मजदूर को, तो सोनू सूद को क्या जरूरत पड़ी कि 12,000 श्रमिक मजदूर को मुंबई से भेजना पड़ा? है ना, आप सरकार में, वहां पूछे जाके उनसे क्यों भेजना पड़ा है। बातें अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, बुरी लगी हो तो माफी, डिसलाइक कर सकते हैं, 2-4 और से डिसलाइक करवाइए, मुझे अच्छा लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सच है वो मैं बोलता रहूंगा।